सभी के साथ। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले मैंने यहाँ पे ये दो तरह की पास्ता लिया है मिला के 100 ग्राम। आप अपना मनपसंद कोई भी पास्ता यूज कर सकते हैं। शुगर 1 टीस्पून, मैदा 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ग्रेटेड गार्लिक या लहसुन, सॉल्ट, इसमें थोड़ा सा प्याज एंड 3 कलर के बेल पेपर्स है। दूध लिया है 200 ml, ऑलिव ऑयल, बटर, पास्ता सीजनिंग अगर आपके पास है तो यूज करें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं, और थोड़ा सा ओरेगैनो। थोड़ा सा बॉयल स्वीट कॉर्न लिया है एंड चीज स्लाइसेस यूज करेंगे 2। सबसे पहले हमें पास्ता को बॉयल कर लेना है। उसके लिए 1/2 लीटर पानी को हमने गैस पे चढ़ाया है। अभी उसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे एंड साथ में डालेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। इसके बाद इसमें पास्ता को ऐड कर देंगे एंड इसको उबलने देंगे 7-8 मिनट के लिए। सात आठ मिनट मीडियम फ्लेम पे उबालने के बाद पास्ता को चेक करें। अगर ये आसानी से कटता है इसका मतलब ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो इसको अभी स्ट्रेन कर लेना है। पास्ता को स्ट्रेन करने के बाद एक दूसरी नॉनस्टिक पैन में हमने 3 टेबलस्पून बटर को मेल्ट होने के लिए रखा है। बटर मेल्ट होने के बाद उसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करना है एंड उसको 2-1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए मैदे का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा 200 ml दूध इसमें ऐड करेंगे एंड इसको कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। कुछ देर बाद जब सॉस का कंसिस्टेंसी ऐसे थिक हो जाएगा तो उसमें हमें 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देना है। नमक स्वाद अनुसार, पास्ता सीजनिंग 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ओरेगैनो और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स उसमें ऐड करेंगे एंड सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से एक साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा वाइट सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी इसमें 2 चीज़ स्लाइसेस को छोटे छोटे पीसेस में हमें इसमें ऐड करना है एंड अच्छे से मिला के हमें इसको गैस से उतार लेना है। नेक्स्ट एक दूसरी पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे एंड उसमें गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लहसुन का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो अभी इसमें सारी वेजेस को हम एक साथ डालेंगे एंड उसको मैक्सिमम 1 मिनट तक हमें फ्राई करना है, क्योंकि इसका जो क्रंच है उसको हमें स्पॉइल नहीं करना है, बस उसको हल्का सा सॉटे करें। वेजिस को थोड़ा सा फ्राई करके उसमें हमें स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ा सा ओरेगैनो, थोड़ा पास्ता सीजनिंग एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे एंड नेक्स्ट उसमें हम पास्ता ऐड करके बहुत अच्छे से सबको एक साथ मिला लेंगे। वेजिस के साथ पास्ता को अच्छे से मिलाने के बाद उसमें हम वाइट सॉस ऐड करेंगे जो हमने प्रिपेयर करके रखा था। ठंडा होने के बाद ये देखिए थोड़ा सा और थिक हो चुका है, तो पहले इसको पास्ता के साथ अच्छे से मिला देते हैं। अगर ये पास्ता की कंसिस्टेंसी आपको ऐसे ही चाहिए तो आप ऐसे रख सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा और इसको पतला बनाना है तो व्हाइट सॉस वाली जो पैन है उसमें मैंने 1/2 कप पानी गर्म कर लिया है, तो उसको अच्छे से मिला के पास्ता में ऐड करना है एंड फिर से उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फिर से 1 मिनट लो फ्लेम पे कुक करने के बाद हमारा पास्ता एकदम तैयार है, अभी बस इसको सर्व कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा व्हाइट सॉस पास्ता एकदम रेडी एंड सर्व्ड है। गार्निशिंग के लिए बस थोड़ा सा ओरेगैनो एंड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया है ऊपर से